प्राइवेट स्कूलों की मनमानी के खिलाफ युवक कांग्रेस ने भी मोर्चा खोलने की तैयारी कर ली है। निजी स्कूलों में मनमानी फीस बढ़ोतरी और खास दुकानों से किताबें खरीदने के विरोध में युवक कांग्रेस 20 जून को धरना प्रदर्शन करेगी। युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष गोपिल कोटवाल ने बताया, मध्य प्रदेश सरकार ने आदेश दिया है कि मनमानी करने वाले प्राइवेट स्कूलों पर कार्रवाई की जाएगी, लेकिन सरकार के आदेश के बाद भी प्रदेश के करीब 200 ऐसे स्कूल हैं जो सरकार की बात नहीं मान रहे। उन्होंने कहा कि हमने ज्ञापन के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी से कार्रवाई का आग्रह किया है, अगर इसके बाद भी स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो युवा कांग्रेस मुख्यमंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री के बंगले का घेराव करेगा। आज जिला शिक्षा अधिकारी जी को हमने यह ज्ञात कराया है कि आपके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कुछ समय पहले कहा था कि मध्य प्रदेश के किसी भी स्कूल में ज्यादा फीस नहीं ले जाएगी, जबरदस्ती बाहर से एक ही दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने का आप पे दबाव नहीं बनाया जाएगा। हमने उनको यह याद दिलाया कि जबलपुर में 200-250 करोड़ का घोटाला सामने आ गया, बहुत लोगों पे कार्रवाई हो गई, फाइन लग गया और बहुत से लोग जेल पे हैं। इन्होंने हमको बताया कि कार्रवाई चल रही है, 24 जून तक करेंगे, तो मैंने इनको बताया कि अगर आप 24 जून तक कार्रवाई नहीं करते हैं, हवा में ही बातें करते हैं, तो हम आपका और शिक्षा मंत्री का और कलेक्टर महोदय का बंगले का घेराव करेंगे। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।